इसकी नली भी थे उसमें तो ऑडी एक अलग हो गई। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ व्लॉग्स। और फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड आज जीत का तीसरा दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग ने बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया है। और ये देख सकते हैं मटन की रान है, ये एक ये है बड़े साइज और एक ये छोटा है। तो आज इसे पूरा बनाएंगे और इसे पूरा 24 घंटे मैरिनेट करा है हम लोग ने। और सीख कबाब भी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चाहे ऑन क्या हो रहा है, ये हम लोग ने पैन ऑन कर दिया है जिससे कि आँख के देख सकते हैं कितना खतरनाक करा है हम लोग ने। ऊपर यहाँ कबाब बन जाएगा और इसके नीचे आप देख सकते हैं वो जो रान थी वो इसमें डाल दी है। तो ऊपर से जो भी कुछ आग आएगी वो जाती रहेगी नीचे और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। देखिए ये नीचे एक राम रख दिए, ये देखिए धीरे धीरे पकता रहेगा और ऊपर सीख कबाब बनेगा मस्त। और एक जो बचा है वो यहाँ रख दिया हमने। 25-30% तो पकी जाएगा ये, और जो बाकी थोड़ा बहुत रह जाएगा ऊपर जाली पर रख देंगे। पर तो दो काम एक साथ होता रहेगा हमारा, ऊपर सीख कबाब बनता रहेगा और नीचे ये अपना पकती रहेगी धीरे धीरे। तो देख सकते हैं एक सीख लग चुकी है हमारी और दूसरी की तैयारी चल रही है। ज़्यादा मोटा हो गया, सही बात है। वो देख सकते हैं तीन सीख लग चुकी है हमारी और ऊपर बराबर में हमने जाली पे एक रान रख दी है और एक जो है वो नीचे रख दी है बड़ी। एक और आ गई है देखिए सीख। तो जो ये रान है इसे तो बहुत लो फ्लेम चाहिए, धीरे धीरे पकेगा पूरा अंदर तक और बाकी ये कबाब मस्त पके रहेंगे। तो देख सकते हैं ये सारे जो कबाब है फटना शुरू हो गए हैं। तो कमेंट करके बताइए किस चीज़ की कमी है जो ये क्रैक हो रहे हैं, तो आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। कोई अगर एक्सपर्ट देख रहा है तो बताइए। फट के गिरने शुरू हो गए नीचे, जो चर्बी कमी लग रहा है यहाँ, तो कमेंट करिए किसी को अगर पता हो कि ये फट क्यों रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से फट फट के गिरने लग रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ ये पानी तेल या फिर वो चर्बी की कमी हो सकती है कुछ, तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग क्या कमी रहेगी इसके अंदर। तो देख सकते हैं दोनों रान हमने ऊपर रख दिए नेट के, नेट के ऊपर और ये कबाब बन रहे हैं। तो कबाब तो फटने शुरू हो गए देख सकते हैं। तो सारे कबाब फट रहे थे तो अब हम इसे फ्राई करेंगे नीचे ले आगे फ्राई करना। इसमें तो हो नहीं पा रहा है काम, सब चटक चटक के नीचे चल रहे हैं। तो पूरा प्लान जो है वो खराब हो गया हमारा। साथ हलवा दो 40% ही यहाँ पे बन पाया, बाकी जो बचा है वो नीचे फ्राई पैन में करते हैं। तो ये रान ये रख दी हमने और ऊपर से कवर कर दिया है ताकि जल्दी से पक जाए। तो पूरी बहुत बढ़िया साइज है, इसे टाइम लग रहा है काफ़ी। पूरी एक बार रेडी हो जाती फिर आपको दिखाते हैं। तो पूरे आधे घंटे बाद इसे हम पलट रहे हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, हो गया होगा लग तो रहा है, लूज हो गया तो है ना। अब ढक देते हैं इसे, फैन ऑन कर दिया है ताकि थोड़ी देर हो जाए फ्लेम। मेरे ख्याल 10-20 मिनट हो जाएगा ये, है ना। टाइम लगेगा अभी इसे, इसकी नली भी थे उसमें तो और टाइम लगेगा। सुबह में आएंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ हड्डी। सो फ्रेंड फाइनली बन चुका है ये और इसे पूरे बनने में 4 घंटे लगे हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो ये धीरे धीरे पकाए और आप देख सकते हैं पूरी हड्डी में से बोटी अलग हो गई है। तो कबाब बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा लेकिन इसे बनने में बहुत टाइम लगा है, पूरे 4 घंटे ज़्यादा लगा है। सीन काफ़ी अच्छा हो चुका है, ये देख सकते हैं इसकी बोटी एक एक अलग हो गई है। तो अभी इसे खाते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं और रिव्यू देते हैं कैसा टेस्ट है।